मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के दौरे पर हैं। वडोदरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील की। साथ ही गहलोत ने केंद्र और भाजपा पर जमकर प्रहार भी किया। क्या कुछ कहा उन्होंने जरा सुन। वडोदरा का अपना बहुत बड़ा शानदार इतिहास रहा है आजादी के पहले से ही। आपने तो विश्वविद्यालय भी आवासीय विश्वविद्यालय उस जमाने के अंदर बन गया था। पब्लिक सेक्टर के कई कारखाने लगे हुए थे, वो तमाम धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पर मैंने सुना कि बरसात आते ही तो पानी भर जाता सड़कों पर, नदी बीच में नदी है वहाँ पर गटर का पानी जाता है, तो पीने के पानी का भी संकट है बड़ोदरा शहर के अंदर, जिसका नाम पूरे देश के अंदर है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बार अगर सरकार बदलती है 27 साल के बाद में, एक तो केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रदेश के ही हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, रात में एक कर रहे हैं पूरे गुजरात में, इतने दौरे कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मेरे ख्याल से इतिहास में कभी दौरे इतने नहीं किए होंगे। उनको जरूरत क्या आने की यहाँ पर, उनका नाम ही बहुत बड़ा होता है प्रधानमंत्री का, पूरा गुजरात जानता है कि प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश के हैं, उनको जरूरत क्या बाबा आने की है। इतने घबरा रहे हैं सब लोग, बीजेपी के लोग, मैंने सुना कोई 30-35 रिबेल खड़े हो गए उनके उम्मीदवार, इतना भयंकर आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी खुद के अंदर। राहुल गांधी यात्रा नहीं कर रही है, वो यात्रा क्यों कर रहे हैं? कुछ लोगों ने कहा गुजरात की दुनिया चुनाव था यहाँ पर, उनका यात्रा का मकसद है देशव्यापी एक मैसेज देना कि देश की जनता तकलीफ में है, भयंकर महंगाई का जमाना है, कमर तोड़ महंगाई है, भयंकर बेरोजगारी है, नौकरी लग नहीं रही है। मैंने सुना 10 लाख जगह खाली पड़ी है सरकारी नौकरियों में, नौकरी लग नहीं रही है। तमाम देश के कर्मचारियों की मांग है, उनको ये बीजेपी वाले पूरा नहीं करना चाहते। यहाँ के कर्मचारी की मांग वही है, डर के मारे वो संघर्ष नहीं कर रहे, क्योंकि भय का माहौल है पूरे देश के अंदर, हिंसा का माहौल है जो नहीं होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। और राहुल गांधी की यात्रा का मकसद यही है कि देश में हिंसा नहीं हो, प्रेम मोहब्बत भाईचारा आपस में हो, सभी जाति बिरादरी के अंदर। महंगाई भयंकर बढ़ गई है, रोक लगे, महंगाई कम हो, रोजगार मिले लोगों को, नौजवानों को, आर्थिक स्थिति मजबूत बने। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पूरे गुजरात में बहुत भयंकर एंटी इनकमेंसी है, भयंकर सरकार विरोधी लहर चल रही है गुजरात के अंदर, पूरे गुजरात के अंदर। गांव में पहली कांग्रेस जीती थी आई है, जो शहर है आपके अहमदाबाद गुजरात में है, बड़ौदा है, सूरत है, राजकोट है, वहाँ कांग्रेस हार जाती है और सरकार निभाना पड़ती है। एक मौका है आप दीजिए, शहर के तमाम भाइयों को बहनों को मैं कहना चाहूँगा, केंद्र सरकार 8 साल से राज कर रही है, ज्यादा वक्त हो रहा है, पर लोकतंत्र में संविधान और लोकतंत्र रहेगा कायम तो जाके मैं समझता हूँ देश का मान और सम्मान दुनिया में बढ़ेगा। जो कि आरोप लगाए गए थे यूपी गवर्नमेंट पर 2G स्पेक्ट्रम, वो कहाँ चला गया, वो जल गया। 1,70,000 से अधिक करोड़ का घोटाला हो गया, कोल गेट हो गया, एक भी जेल गया कोई? और 8 साल से मोदी जी बैठे सत्ता में, जेल क्यों नहीं भेजा किसी को? NIDRA को बैठा दिया वहां पर दिल्ली में, लोकपाल, काला धन, वो कहाँ गया काला धन?